किसी शहर में दो परिवार आसपास में रहते थे। दोनों परिवारों में सदस्यों के नाम पर सिर्फ पति पत्नी रहते थे। इनमें से एक परिवार हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता था। उनकी इन हरकतों की वजह से आसपास के लोग भी परेशान थे, जबकि दूसरा परिवार शांति से रहता था। उनके घर से कभी किसी तरह की लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती थी। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने अपने पति से कहा, अपने पड़ोस में भी पति पत्नी रहते हैं, वे कितने शांत रहते हैं। उनके घर से कभी किसी तरह के विवाद गृह कलेश की आवाज नहीं आती। तुम जाओ और देखो कि वे इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए क्या करते हैं। पति चुपचाप गया और उनके घर छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि पत्नी हॉल में फर्श पर पोछा लगा रही है। तभी किचन से कुछ आवाज आई और वो किचन में चली गई। तभी पति अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो उसकी ठोकर से हॉल में पानी से भरी बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया। चारों तरफ पानी ही पानी था। आवाज सुनकर पत्नी किचन से आई तो देखा कि पूरे फर्श पर पानी ही पानी है। वो अपने पति से बोली, यह मेरी गलती है कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया, मुझे माफ कर दीजिए। पति ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं देखा और गलती से मेरा पैर बाल्टी पर लग गया, आप मुझे माफ कर दीजिए। दोनों पति पत्नी ने अपनी अपनी गलती मान ली और वापस अपने काम में लग गए। झगड़ालू परिवार का पति, जिसने ये सब देखा और जाकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। झगड़ालू पति पत्नी थोड़ी देर खामोश रहे, वह आश्चर्यचकित थे। और फिर पति ने कहा, उनमें और हम लोगों में यही अंतर है कि हम एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, एक दूसरे की गलतियां गिनाते हैं, जबकि वे खुद को गलती मानने को तैयार रहते हैं। इस वजह से उनका परिवार खुशहाल रहता है। झगड़ालू पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्होंने इस घटना से भविष्य के लिए सबक भी ले लिया था। अब वह एक दूसरे की जिम्मेदारी समझते थे और एक दूसरे की गलतियां बताते थे। वह एक दूसरे की इज्जत करने लगे थे। दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं। एक में भी यदि कोई समस्या है तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती। गृहस्थी की गाड़ी आपसी सामंजस्य पर टिकी होती है। इसमें अगर जरा सा भी ईगो यानी अहंकार आ जाए तो फिर इसे चलाना बहुत कठिन हो जाता है। आजकल पति पत्नी के बीच विवाद होना आम बात है। कभी कभी ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि इन विवादों के पीछे कारण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पति पत्नी के बीच एक खुशहाल और शांतिपूर्ण रिलेशन के लिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार को आगे न आने दें और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रखें। पति पत्नी किसी भी गलती के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों का नुकसान होता है और संबंधों में भी खटास आ जाती है। परिवार में दूसरे की जीत भी अपनी जीत होती है। अगर हम बहस करके दूसरे सदस्य को नीचा दिखा दे, ये उसकी हार नहीं बल्कि आपकी हार है।